हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मेंटर्स कॉर्नर। आज हम लोग पूरी की पूरी ये काइनेमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। ये पहला लेक्चर है काइनेमेटिक्स के बारे में। हम लोग ये काइनेमेटिक्स चेक मैंने इस काइनेमेटिक्स को सीरीज़ में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें आपको 10 से 12 लेक्चर्स मिलेंगे। उस 10 से 12 लेक्चर्स में मैं उसको पूरा कम्प्लीट कर दूंगा। एंड ये जो लेक्चर्स रहेंगे वो आप नीट के लिए, स्पेशली नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे, WBJEE के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे एंड जेई मेन्स के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। बट मेजर फोकस रहेगा नीट के ऊपर। सेकेंड थिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जब लेक्चर सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि उनसे क्वेश्चंस नहीं बनते, तो आप 100 क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट करते हो किसी भी बुक के या किसी भी असाइनमेंट्स के, तो अराउंड 90 क्वेश्चंस आपसे आसानी से बन जाएंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सीरीज। इसमें से जो 10 क्वेश्चन है वो जो आपसे नहीं बनेंगे, वो इसलिए नहीं बनेंगे बिकॉज दिस आर द काइंड ऑफ डी मोटिवेशन स्टफ्स। ये क्वेश्चन इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि आपको ये एहसास दिलाया जा सके कि अगर आपने यहाँ पे कोचिंग नहीं की या आपने ये बुक नहीं पढ़ी तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहें, डिमोटिवेट ना हो। आपसे 90 क्वेश्चन बन रहे हैं, आप चेक कर लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, आपके 90 क्वेश्चन से ही सारे मिल जाएंगे, 10 क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन वहाँ नहीं रहेगा। आगे की बात करें तो मैं ये लेक्चर में आपको सिर्फ वही चीज़ पढ़ाऊंगा जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपको यहाँ पे PhD स्कॉलर नहीं बना रहा, मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ कि आपकी जो एग्ज़ाम हो उसमें आपके डिसेंट मार्क्स आ जाए, जिससे आपको जो कॉलेज चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को एम्स चाहिए होता है, किसी को अपनी कॉलेज स्टेट की रीजनल कॉलेज चाहिए होती है, वो उसको ईजिली मिल जाएगा। एंड WBJEE में भी वही केस, JEE में भी वही केस। आगे बढ़ते हैं तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि पूरा जो काइनेमेटिक्स से जो क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्ज़ाम को ले लो, तो वो जनरली एवरेज वेलोसिटी या स्पीड की तरफ घूमते हैं, या इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर लीनियर एंड वर्टिकल मोशन की तरफ घूमेंगे, या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या एक्सीलरेशन की तरफ। ग्राफ्स, वेक्टर, ओनली वन कंसेप्ट वो मैं बता दूंगा, उसके बाद आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे फॉर काइनेमेटिक्स एंड रिलेटिव वेलोसिटी। इसके अलावा कहीं से भी क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। तो मैंने वही कहा 90 क्वेश्चंस जो भी रहेंगे, जो भी आपके नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सारे इसी पे हैं। एम्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो यहीं पे हैं, WBJEE के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहीं पे हैं, ठीक है। तो हम लोग पूरा कंसेंट्रेट इसी पे करेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि काइनेमेटिक्स होता क्या है। देखो ये जो काइनेमेटिक्स होता क्या है, ये काइनेमेटिक्स जो होता है वो एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करती है मोशंस ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ये उन फोर्सेस को कंसिडर नहीं करती है जिसके वजह से ये मोशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स रखा हुआ है यहाँ पे, आपने यहाँ पे इस पर 5 न्यूटन की फोर्स लगाई तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से डिस्प्लेस होकर कहीं यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर की है, इसकी कुछ वेलोसिटी रही होगी, इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, कुछ एक्सीलरेशन रहा होगा, कुछ टाइम पीरियड लगा होगा। तो ये सब जो है इन्हें हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ मोशन। तो पूरा काइनेमेटिक्स जो होता है वो इन एलिमेंट्स के बारे में ही बात करता है, इसके अलावा किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं करता। ये पर्टिकुलर जो लेक्चर मैं बना रहा हूँ इसमें हम लोग कवर करेंगे मोशन के टाइप्स, योर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड योर स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये स्केलर एंड वेक्टर को मैं आगे जाके पूरा एक लेक्चर बनाऊंगा, उसमें पूरी अच्छी तरीके से डील करूंगा, क्योंकि वो हमें अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं इसमें सिर्फ वही चीज़ बताने वाला हूँ जिससे आपके काइनेमेटिक्स से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जो मोशन पूरी अर्थ पे या पूरे यूनिवर्स में दो ही काम होता है, या तो ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है या फिर ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है काइनेमेटिक्स में। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हमारे काम की चीज़ें क्वेश्चन नहीं से आते हैं। अब देखते हैं कि मोशन में रहने का मतलब क्या होता है। अब ये जो मोशन होता है ना बाबू, वो मोशन दो टाइप का होता है। एक तो होता है आपका यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक होता है आपका यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, अब जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें क्या होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो इक्वल रहती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है जो पहले 1 सेकंड में 2 मीटर कवर कर रहा है, अगर ये यूनिफॉर्म मोशन है तो दूसरे 1 सेकंड के गैप में भी 2 ही मीटर कवर करेगा, तीसरे वाले में भी वो आपका 2 मीटर कवर करेगा, ठीक है, इस तरह चलते जाएगा। तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म मोशन। अब इसमें एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप इस पोर्शन को कंसिडर करो, सिर्फ इस पोर्शन को, तो इसमें स्पीड क्या रही है, वेलोसिटी क्या रही है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई या डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितनी है,
2 मीटर, टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो आपका अल्टीमेट आंसर आता है 2 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली इस केस में भी 2 मीटर पर सेकेंड आएगा और इस केस में भी आपका 2 मीटर पर सेकेंड आएगा। अगर आप इस पूरे मोशन को कंसिडर करते हो, ये पूरा मोशन, तो आपका देखो आंसर क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 2 + 2 + 2 यानी कि 6 मीटर और टाइम कितनी है 3 सेकेंड, तो आपका अल्टीमेट आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपने देखा कि यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकेंड था और यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकेंड था। तो ये नोट कर लेना है कि जब भी यूनिफॉर्म मोशन की बात होती है तो इसमें वेलोसिटी जो रहती है वो कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो एक्सेलरेशन जो होता है वो आपका 0 होता है। ये चीज़ आपको एकदम दिमाग में सेट करनी है कि जब भी यूनिफॉर्म मोशन की बात होगी तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन 0 होगा। ये क्यों होता है वो हम आगे जब पढ़ेंगे, वेलोसिटीज वगैरह में जाएंगे तब मैं आपको ये क्लियर करवा दूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। फॉर द टाइमिंग आपको ये याद रखना है। जब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करते हैं तो ये यहाँ पे क्या होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट थी जो पहले इक्वल हुआ करती थी वो अनइक्वल हो जाएगी और टाइम पीरियड क्या रहेगा? सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो पहले 1 सेकेंड में 2 मीटर कवर कर रहा है तो दूसरे 1 सेकेंड में ये 3 मीटर कवर करेगा, तीसरे 1 सेकेंड में ये मान लेते हैं 1 मीटर कवर करेगा, फिर आगे वाले 1 सेकेंड में ये 4 मीटर कवर करेगा। तो आपको देखने को मिलेगा कि हर एक पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट है एंड जो आपका एवरेज जो पूरा मोशन की जो वेलोसिटी निकलेगी वो भी डिफरेंट रहेगी। तो इसमें क्या नोट करना है आपको कि जब भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो उसमें वेलोसिटी जो रहेगी वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, जो एक्सेलरेशन रहेगा वो नॉन जीरो नहीं हो सकता, मतलब आपका कुछ एक्सेलरेशन रहेगा वो जीरो नहीं होगा। सेम केस मैं आपको आगे के लेक्चर से बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म मोशन में खाली आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। यहाँ से आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म मोशन वेयर द वेलोसिटी इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज जीरो, ऐसे करके कुछ 4 स्टेटमेंट्स दे रहेंगे और उसमें आपको एक सही सेलेक्ट करना होता है। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की बात यहीं तक आती है। अब जब भी हम लोग मोशन के बारे में बात कर रहे हैं तो मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट उसके एलिमेंट्स आते हैं। इस लेक्चर में सिर्फ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ। तो देखते हैं सबसे पहले डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस में हमने जब देखेंगे डिस्टेंस में आपको क्या याद रखना है कि ये जो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी जो होता है उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मान लेते हैं एक ऐसे करके पाथ बनाया हुआ है, ठीक है, ये आपका पॉइंट ए हो गया, ये आपका पॉइंट बी हो गया। अगर मैं बोलूं कि किसी ऑब्जेक्ट को भैया ए से बी में जाना है एंड अगर वो इस लेंथ को कवर इसी लेंथ पे चले इसी लेंथ पे और अगर हम इस लेंथ की डिस्टेंस नाप लें, मान लेते हैं कि ये आया 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, तो हमारा आंसर आता है 7 मीटर। तो ये लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ है जिस पे बॉडी चली थी। तो ये 7 मीटर जो होता है वो आपका डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये क्या होता है आपका डिस्टेंस होता है। इसकी यूनिट जो होगी वो मीटर होगी और स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये पूरे अच्छी तरीके से, तो आगे देखते रहिए। इसमें क्या होता है? डायरेक्शन नहीं होता। आगे चलते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारा पाथ था ऐसे करके कुछ, यहाँ पे पॉइंट ए था, यहाँ पे पॉइंट बी था, ठीक है। पिछले बार में आपने क्या किया था कि ये जो रेड लाइन वाली पाथ है आपने उसको फॉलो किया था, इस रेड लाइन को आपने फॉलो किया था। इस केस में क्या होना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला है ना, तो एक चीज़ याद रखो, मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। जब भी शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट की बात हो या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात हो तो आपको क्या करना है कि जो ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट है उसको पकड़ो एंड उसकी फाइनल एंड एक फाइनल पॉइंट पकड़ो, ठीक है, एंड इन दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो। किससे ज्वाइन करोगे? स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इनिशियल पॉइंट ए है और यहाँ पे आपका फाइनल पॉइंट बी है। हम लोग क्या करेंगे? इसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो इस केस में ये जो ब्लैक वाली डार्क लाइन दिख रही है ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है। मैंने क्या किया? इनिशियल पॉइंट पकड़ा जो कि मेरा ए था, मैंने एक फाइनल पॉइंट पकड़ा जो कि मेरा बी था और मैंने इसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। हर एक केस में जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात हो तो आपको यही करना है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को पकड़ के ज्वाइन कर देना है एंड यू विल गेट योर आंसर। तो ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तो कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसका कोई इसका मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन होता है।
पहले वाले केस यानी कि स्केलर में क्या होता था, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता था, डायरेक्शन नहीं होता था, लेकिन इस केस में क्या होगा, डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब हम लोग इससे पहले मैं पूरी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के अंदर घुसूं, हम लोग थोड़े से स्केलर वेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखते हैं, स्केलर में कुछ नहीं होता, स्केलर में क्या होता है, सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड पे ध्यान देना होता है। ठीक है, क्या किस पे ध्यान देना होता है, मैग्नीट्यूड पे। अभी एक्चुअली मैग्नीट्यूड होता क्या है, मैग्नीट्यूड मतलब फॉर एग्जाम्पल आप लोग गए एक टेलर के पास, कपड़े की दुकान में गए, उसको बोला कि भैया मुझे 2 मीटर का कपड़ा दो, कितना मीटर का, 2 मीटर का। तो ये जो 2 है ना यहाँ पे, 2, दिस इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपने टेम्परेचर नापा, उसमें आया 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री, तो दिस 37 एक्सक्लूडिंग द यूनिट इज कॉल्ड योर मैग्नीट्यूड। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपने मान लो एक फुटबॉल को किक मारी और वो फुटबॉल आपके 5 मीटर की हाइट तक ऊपर उड़ी। ठीक है, तो दिस 5 इज कॉल्ड योर मैग्नीट्यूड। बात समझ में आई, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं होता। मैं आप जब वेक्टर के बारे में बात करूँ तब मैं आपको समझाऊंगा। तो इसके अंदर मैं आपको समझ में आ गया क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड क्या होता है, दिस न्यूमेरिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। आगे बढ़ते हैं, अब आता है वेक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे बहुत माथा खराब होता है। आगे आते हैं, इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। इसमें एक साथ में इसके साथ एक और आ जाता है, डायरेक्शन, जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देता है, और वेक्टर्स इसलिए आप लोग को टफ लगता है। ठीक है, डायरेक्शन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने बोला कि भैया ये आपका देखो ये डायरेक्शन है, ईस्ट, यहाँ वेस्ट, यहाँ नॉर्थ एंड यहाँ साउथ। मैंने आपको बोला कि भैया 10 मीटर आपको जाना है ईस्ट डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। तो आपको पर्टिकुलर आपको एक डायरेक्शन मिल गया कि भैया तुमको ईस्ट डायरेक्शन में ही जाना है, आप इसको छोड़कर कहीं और नहीं जा सकते। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बोल दिया गया। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर इज स्केलर क्वांटिटी, क्यों, टेम्परेचर जब नापते हैं तो हम लोग कभी ऐसा नहीं बोलते कि भैया 37 डिग्री राइज हुआ है इन दी नॉर्थ डायरेक्शन, क्या बोलते हो ऐसे, नहीं बोलते, तो इट हैज़ नो डायरेक्शन। लेकिन जब आप लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हो तो आप लोगों ने क्या बोला था कि एक पॉइंट ए होता है, एक पॉइंट बी होता है। ठीक है, तो आपको एक शॉर्ट लाइन मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हो आप, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इसके अलावा और कोई डायरेक्शन होता है। एक बात याद रखो, किसी भी दो पॉइंट के बीच में, किसी भी दो पॉइंट के बीच में एक ही शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल है, एक ही शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल है, दूसरा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। समझ में आया मेरी बात, तो जब एक ही डायरेक्शन, एक ही पाथ पॉसिबल है तो उसका पर्टिकुलर को डायरेक्शन में आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे डिस्टेंस होता है, ये ऐसे 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 करके चल रहे हो, इसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है, पहले आप इस तरफ चल रहे थे, फिर आप इस तरफ चल रहे हो, फिर इस तरफ चल रहे थे, फिर इस तरफ चल रहे हो, फिर इस तरफ। तो अगर पूरे को कंसिडर किया जाए तो आपने कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं चला, आप कभी ऊपर चल रहे थे, कभी नीचे चल रहे थे, तो ओवरऑल मोशन में कोई डायरेक्शन नहीं था। तो ये हम लोग क्या बोलेंगे, भैया दिस इज द डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे होते हो तो आप बोलते हो कि मैं पर्टिकुलर एक सिर्फ स्ट्रेट लाइन में जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो मोशन था अभी मैंने जो दिखाया ज़िगज़ैग, अगर मैं सिर्फ यहाँ तक की बात करूँ ए टू बी, तो यू हैव सम डायरेक्शन, बट वेन यू गो बी टू सी अगेन यू हैव अ डायरेक्शन, बट वेन आई आस्क ए टू सी का, ए टू सी का, तो ए टू सी का कोई डायरेक्शन नहीं है, पहले आप इस डायरेक्शन में गए, फिर इस डायरेक्शन में गए, तो देयर आर टू डायरेक्शन। तो हमने उसको बोलते हैं भैया ये डिस्टेंस बन गई। ठीक है, फॉर द होल मोशन, बट अगर आप उसको डिवाइड कर दो ए टू बी तो इट हैज डायरेक्शन एंड इट विल बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मेरी बात क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आप जब दर्जी के पास जाते हो या कपड़े की दुकान में जाते हो और आपने उसको बोला भैया 2 मीटर का कपड़ा दो, तो क्या आप उसको ये बात बोलते हो कि भैया साउथ डायरेक्शन में काट के देना या नॉर्थ डायरेक्शन में काट के देना, ऐसा नहीं बोलते। ठीक है, तो दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बट आप किसी रेस में जा रहे हो और आपको बोला गया कि भैया स्ट्रेट लाइन में दौड़ना है, ये 100 मीटर की रेस है, ये स्ट्रेट पाथ में दौड़ना है, तो दिस हैज अ डायरेक्शन, इट हैज अ डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, आप एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, तो दिस हैज अ डायरेक्शन। ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि वेक्टर जो होता है वो इस तरह से डिनोट होता है ग्राफिकली। इसका ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, हेड, और इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं टेल। ठीक है, ये हो गया हेड, ये हो गया टेल। अब आपको काइनेमेटिक्स में एक ही कंसेप्ट याद रखना है, वो है टेल हेड, टेल हेड फॉर नॉर्मल वेक्टर्स एंड हेड हेड टेल टेल फॉर रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, मैं बता रहा हूँ होता क्या है। ठीक है, एक बंदा है जिसका नाम है राम। ठीक है, अब राम क्या किया, इस सेंटर से होकर 10 मीटर गया ईस्ट की तरफ, 10 मीटर गया ईस्ट की तरफ, फिर वो 2 मीटर 5 मीटर चला गया नॉर्थ की तरफ,
बस में 10 मीटर गया ईस्ट की तरफ, फिर 5 मीटर चला गया आपके नॉर्थ की तरफ। अब अगर यहाँ पर डिस्टेंस की बात हो तो लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ क्या हो जाएगा, 10 + 5, तो आंसर विल बी 15 मीटर, कोई दिक्कत है? लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात हो तो मैंने आपको क्या बोला था कि आपको इनिशियल पॉइंट पकड़ना है, फाइनल पॉइंट पकड़ना है, स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर देनी है, ठीक है? एंड द लेंथ ऑफ दिस लाइन विल बी द डिस्प्लेसमेंट। ये आपका एक पाइथागोरस थ्योरम वाला बन गया, ट्रायंगल बन गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, ठीक है? लेकिन यहाँ पे वेक्टर का क्या गेम है वो देखते हैं। अब क्वेश्चन में आया कि राम हैज ट्रेवल्ड 10 मीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन एंड 5 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है? तो ये जो आपके जो दिया गया है, मान लीजिए इसका मैं नाम दे देता हूँ यहाँ से ए बी और इसका नाम सी, ठीक है? मैंने आपको क्या बताया, टेल हेड, दिस आर द नॉर्मल वेक्टर्स ए बी एंड ए सी। तो आपको क्या करना है, आप मान लो ए बी को बनाओ 10 मीटर, बस मैं दिस इज योर ए बी, इसकी टेल क्या है, ये टेल है, इसका हेड कौन सा है, ये हेड है, ठीक है? अब आपको ए सी बनानी है, ठीक है? तो एक की टेल हेड है तो दूसरा का टेल इसके हेड से कनेक्ट होगा, दूसरे का टेल इसके हेड से कनेक्ट होगा, तो ए सी का टेल यहाँ बनेगा और हेड यहाँ बनेगा। मेरी बात समझ में आई, ये हो गया ए सी का हेड और ये वाला हो गया इसका टेल और ये बन गई ए सी, समझ में आया? अब जो रिजल्टेंट का मैंने रूल बताया था रिजल्टेंट में क्या होता था, टेल हेड, तो यहाँ पे टेल है तो एक वेक्टर की टेल यहाँ बनेगी और हेड यहाँ बनेगा, दिस विल बी योर रिजल्टेंट, कोई दिक्कत है? अभी फिर से पाइथागोरस थ्योरम में कन्वर्ट हो गया है एंड यू कैन फाइंड आउट द आंसर इन द सेम वे। जितने भी काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन है वो सारे इसी लॉजिक पे बनेंगे, सबको आपको इसी तरह से राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है एंड यू विल गेट द आंसर, देयर इज नो अदर लॉजिक बिहाइंड दिस, द बेस्ट लॉजिक इज दिस वन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे विंड की क्वेश्चन आती है कि राम जो है 5 मीटर ईस्ट की तरफ चला, 5 मीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन, फिर वो 3 मीटर नॉर्थ की तरफ चला, बोला व्हाट विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो जब डिस्टेंस की बात आती है तो आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, 5 + 3 = 8 आंसर आ जाएगा। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो आपको क्या करना है कि ये देखो, ये एक टेल हो गया, सॉरी यहाँ पे ले लेते हैं, ये इसका टेल है, ये इसका हेड है, तो हम लोग का मेथड क्या है, टेल हेड और इसकी हेड को टेल से कनेक्ट करना है और फिर हेड लाना है। तो देखो यहाँ पे टेल है ना, तो मैं यहाँ पे एक हेड बनाता हूँ, तो ये आ गई टेल, देखो बन गया मेरा, ये 5 मीटर हो जाएगा, फिर रिजल्टेंट आ जाएगी ऐसे करके, टेल हेडेड करके, रिजल्टेंट का फॉर्मूला था टेल हेड, मतलब एक की टेल दूसरी टेल से मिलाओ, एक हेड को दूसरे हेड से मिलाओ। तो अब इसको फिर से निकाल लो, रूट ओवर 5 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, समझ में आया? यहाँ तो कोई दिक्कत है? इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन बनाने हैं आपको, ठीक है? अब आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, नोट करना है एक पॉइंट को, कि जो वेक्टर का डायरेक्शन था, ये एक्चुअल में वेक्टर्स है, ठीक है? कैसे वेक्टर बना, इसके पास मैग्नीट्यूड है और इसके इस डायरेक्शन है, इसके पास मैग्नीट्यूड है और इसके इस डायरेक्शन, तो दिस आर द वेक्टर्स। आपको ये फॉर्मूला तभी यूज करना है जब ये वेक्टर हो, जब इसके साथ डायरेक्शन हो और इसके साथ मैग्नीट्यूड हो, एल्स यू कैन नॉट यूज दिस वन, ठीक है? और जरूरत भी नहीं पड़ती है। अब नोट में वो क्या करना है कि जो वेक्टर का डायरेक्शन, अब देखो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन था तो मैंने इसको हॉरिजॉन्टल ही रखा, मैंने इसको वर्टिकल नहीं किया, ये वर्टिकल था तो मैंने इसको वर्टिकल ही रखा, मैंने इसका डायरेक्शन चेंज नहीं किया। यू कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, नो चेंज ऑफ डायरेक्शन इज अलाउड, बात में क्लियर हो गई? तो यही एक कंसेप्ट था जो आपको पूरे काइनेमेटिक्स में रिक्वायरमेंट होगा, चाहे वो रिवर प्रॉब्लम हो, चाहे वो काइट की प्रॉब्लम हो, चाहे वो विंड की प्रॉब्लम हो, या कैसा भी प्रॉब्लम हो, आप इसमें कर लोगे। हम लोग जब वेलोसिटी में आएंगे तो मैं इसको और भी अच्छी तरीके से बताऊंगा, फॉर द टाइमिंग दिस इज डन। अब हम लोग आते हैं, स्केलर वेक्टर आपका क्लियर हो गया है, आगे बढ़ते हैं। मैं देखो वेक्टर्स और स्केलर को एक अलग चैप्टर भी है तो उसमें हम लोग इन डेप्थ पढ़ेंगे, फॉर द टाइमिंग आई एम यूजिंग ओनली दोज कॉन्सेप्ट विच विल बी रिक्वायर्ड फॉर योर काइनेमेटिक्स चैप्टर। हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे एंड यू विल अंडरस्टैंड कि सर आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है? तो अब हम लोग देखते हैं, मैं आ रहा हूँ वापस से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। अब देखो डिस्टेंस जो होती है और जो डिस्प्लेसमेंट होती है, इसमें एक बहुत बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, ठीक है? हम लोग ये करके देख लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट होती है वो जीरो हो सकती है
whereas this cannot be zero. क्यों ऐसा क्यों होता है? देखो A से B में जाना है, A से B में जाना है आपको. अगर आप A से B में जाओगे ही नहीं, मैंने आपको बोला कि भैया राम आप A से B में जाओ, अब आप A से B में नहीं गए, आप यहीं पे खड़े रह गए, आपने मेरी बात मानी नहीं, आप यहीं पे खड़े हो, तो मैं क्या बोलूँगा? आपने को डिस्टेंस कवर किए हैं. तो कभी आपने किसी को सुना कि भैया मेरे को 0 मीटर कपड़ा काट के दो, मैंने 0 मीटर रेस की है, मैं 0 मीटर दौड़ा हूँ? ऐसा कभी नहीं होता. तो वी अनटिल अनलेस यू कवर सम डिस्टेंस, वी नेवर से दैट यू हैव कवर्ड समथिंग. वी कैन नॉट यूज दिस जीरो वर्ड फॉर द डिस्टेंस पार्ट. अब डिस्प्लेसमेंट में आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट फिर जीरो कैसे आएगा? डिस्प्लेसमेंट में वही आना चाहिए कि आपने अगर कुछ कवर ही नहीं किया तो कैसे होगा? एग्जैक्टली यू कैन नॉट से, ठीक है. बट एक चीज़ याद रखो कि अगर ये वैक्टर जो इस तरफ से जा रहा है, ठीक है, दिस इज द ए बी वैक्टर, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? ए के ऊपर बी के ऊपर ऐसा, ठीक है, इसको एक वैक्टर बोलते हैं. अगर मैं इसी वेक्टर को रिवर्स कर दूं, ऐसा बना दूं, तो अब यहाँ पे ए आ जाएगा और यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है. लेंथ दोनों की सेम है, बस मैंने डायरेक्शन रिवर्स कर दिया. एज सून एज यू रिवर्स द डायरेक्शन, तो ए बी जो है वो बन जाएगा इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी ए. मतलब डायरेक्शन रिवर्स करते एक नेगेटिव साइन आपके पास आ जाएगा. वाई? बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है. अब राम को मैंने बोला भैया आप ए सी बी में जाओ, तो वो गया 10 मीटर, इसको कवर की, इसने उसको कवर कर लिया 10 मीटर, वो यहाँ पहुँच गया बी पॉइंट पे. अब मैंने बोला राम आप बी से वापस से ए में चले जाओ, अब वो ए में जाएगा तो वापस वो 10 मीटर कवर करेगा. अब देखते हैं व्हेन ही वेंट फ्रॉम ए टू बी, तो ए बी वेक्टर का हो गया 10 मीटर. देखो एक स्ट्रेट लाइन है तो आपके पास एक डायरेक्शन होगा, इसलिए मैंने इसको वैक्टर लिया है. फिर आप बी से आए ए में, तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस ऑफ 10 मीटर. मेरी बात समझ में आ रही है? बिकॉज यू हैव रिवर्स योर डायरेक्शन, ठीक है. अगर आपने डायरेक्शन रिवर्स नहीं किया होता और 10 मीटर आगे चलते तो ये पॉजिटिव रहता, बट सिंस आपने रिवर्स किया डायरेक्शन, तो आपका, तो जब इसको ऐड करोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट को ए बी प्लस बी ए, तो आपका आंसर आ जाएगा प्लस 10 माइनस 10 दैट इज जीरो. तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई आपकी? जीरो हो गई इस केस में. तो आप समझ में आया डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों हो सकती है? इसलिए होती है. व्हेन एवर यू रिवर्स द डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, अगर आप पूरी डिस्टेंस कवर करते हो, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. दूसरी बात क्या आती है कि डिस्टेंस जो होती है वो या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी रहेगी, वो या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी रहेगी या फिर उसके बराबर रहेगी, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट से बड़ी रहेगी या उसके बराबर रहेगी. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से छोटी है, ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता. वाई? बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ए और बी के बीच में एक ही शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है, एंड वेन एवर दैट इज अ शॉर्टेस्ट पाथ वी कॉल इट अ डिस्प्लेसमेंट. जब भैया एक ही शॉर्टेस्ट पाथ है और ऑलरेडी वो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्टेंस उससे छोटा कभी हो ही नहीं सकता. मेरी बात समझ रहे हो? डिस्टेंस तो आप फिर जो भी बनाओगे वो ए या तो ए बी के बराबर रहेगी या ए बी से बड़ी रहेगी. मतलब आप ये पाथ ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ में आना तो आप सिर्फ ए से बी में स्ट्रेट लाइन में जा सकते हो, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. तो ये कभी भी डिस्टेंस से छोटी नहीं हो सकती, एंड दिस इज ऑलवेज ट्रू. इस पे एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ है कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. वी विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस. बात समझ में आ रही है? यहाँ तो कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं. जो डिस्प्लेसमेंट जो होती है उसकी एक यूनिक वैल्यू होती है. क्या होती है? यूनिक वैल्यू. मतलब डिस्प्लेसमेंट की एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती फॉर पर्टिकुलर. मतलब अगर आप ए से बी में जा रहे हो तो एक ही डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है. इट हैज़ अ यूनिक वैल्यू, याद रखिएगा, यूनिक वैल्यू, ठीक है. वेयर एज डिस्टेंस की जो होती है वो आप ए से बी में स्ट्रेट लाइन में भी जा सकते हो, आप ऐसे भी जा सकते हो, आप ऐसे भी जा सकते हो, आप और घूम फिर के ऐसे ऐसे करके भी जा सकते हो. तो फॉर डिस्टेंस इसकी इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है, बट इसकी क्या होगी? यूनिक वैल्यू होगी. मेरी बात समझ में आ रही है? चलो दूसरी बात हम लोगों ने देखा कि डिस्टेंस जो होती है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, वेयर एज इट कैन बी नेगेटिव. ये हमेशा पॉजिटिव होती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, ठीक है. क्योंकि डिस्टेंस के पास तो डायरेक्शन है ही नहीं. अब डायरेक्शन नहीं है तो उसको आप उल्टा करोगे नहीं, अगर उल्टा नहीं करोगे तो नेगेटिव का साइन आएगा ही नहीं, ठीक है. तो ये कुछ एक बेसिक्स डिफरेंस है जो हम लोग ने देखे, ठीक है. और जो मेजर डिफरेंसेज है, जैसे स्लोप वगैरह के बारे में बात करेंगे कि स्लोप डिस्प्लेसमेंट की जो स्लोप होती है, डिस्प्लेसमेंट की जो स्लोप होती है वो नेगेटिव हो सकती है, पर इसकी नहीं हो सकती. ये हम लोग कब डिस्कस करेंगे? जब हम लोग ग्राफ में घुसेंगे, ठीक है.
कुछ एक जो डिफरेंस रहेंगे वो आपको बीच बीच में लिखाते रहूंगा, उसको आप नोट डाउन करते रहिएगा। फॉर द टाइम बिंग मैंने जो जो बताया है, जो डिफरेंसेस बताए हैं, उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम लोग घुस रहे हैं थोड़े से कंसेप्ट लेवल न्यूमेरिकल्स के लिए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के। देखो ये एक सर्कल है, एक सर्कुलर पाथ है, पॉइंट ए यहाँ है, पॉइंट बी यहाँ है, पॉइंट सी यहाँ है, पॉइंट डी यहाँ है। मान लेते हैं कि सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो आपका 7 मीटर है, ठीक है, रेडियस क्या है 7 मीटर। अब क्वेश्चन आया कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर ए टू सी, ए टू डी एंड ए टू ए। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हम लोग सारा का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो जो बच्चे मैथ्स नहीं लेकर रखे थे, मैं आपको एक चीज दे देता हूं कि सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज गिवन बाय 2 पाई आर, कितना 2 पाई आर, ठीक है। एंड व्हाट इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस, दिस आउटर जो ब्लैक कलर की आउटर बाउंड्री दिख रही है, इसकी लेंथ को हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक वायर लिया हुआ है जिसकी टोटल लेंथ है 7 मीटर, आपने इसको गोल घुमा के इसका आपने सर्कल बनाया, तो इसकी सरकमफ्रेंस भी 7 मीटर ही होगी। तो अल्टीमेटली आपको क्या पता चला कि जो बाउंड्री होती है उसकी लेंथ को हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। फॉर ए टू बी में अगर मैं डिस्टेंस निकालूँ, तो क्या होगा, ये देखो ये इसका 1/4 पार्ट है ना, इट्स अ क्वाड्रेंट, ये पूरा ये आधा हो गया, ये 2πr का 1/4 पार्ट है, ठीक है। तो 2πr का 1/4 पार्ट, तो 2π4 को 2πr को अगर मैं 4 टाइम्स डिवाइड कर दूं, मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, एक पार्ट इसका, दो पार्ट इसका, तीन पार्ट इसका एंड फोर्थ पार्ट इसका, तो हम लोग इसको डिवाइड बाई 4 करेंगे, तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2πr फॉर केस ए टू बी, 2πr बाई 4 इंटू, ये इसकी आंसर हो जाएगी। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 2 इंटू रेडियस का 7 और नीचे 1/4, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11 मीटर। ये क्या ये क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको क्या बोला कि भैया आपको इनिशियल पॉइंट पकड़ना है, आपको फाइनल पॉइंट पकड़ना है, उसकी एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करनी है एंड यू विल गेट दी आंसर। तो अब आपको ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, किसकी फाइंड करनी है, ए बी की लेंथ। कैसे फाइंड करोगे, देखो भैया रेडियस बोला है तो ये ओ हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ ए की वैल्यू कितनी होगी 7 मीटर, ओ बी की वैल्यू कितनी होगी 7 मीटर। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड वाले पार्ट की, यहाँ पे जो ए टू सी दिया हुआ है, ए टू सी में जाते हैं। अब ए टू सी में देखते हैं, ए टू सी में क्या हो रहा है कि अब आपको 1 पार्ट एंड 2 पार्ट लेना है, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर 1 पार्ट का वैल्यू है 2πr4, तो 2 पार्ट का कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा अल्टीमेटली ये 2 और ये 2, मतलब आंसर आएगा पाई आर, डिस्टेंस हो जाएगी आपकी पाई आर, दैट इज 22/7 इंटू 7, तो आंसर यू विल गेट 22 मीटर, ठीक है। अब बोले कि भैया डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो वही कहानी, इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट सी है, लाइन ज्वाइन करेंगे तो उसका डायमीटर बन जाएगा, जब डायमीटर बनेगा तो उसकी ये वैल्यू ए ओ 7 मीटर रेडियस है और ये भी 7 मीटर है, तो अल्टीमेटली आपका आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का 14 मीटर, राइट, 17 प्लस 17 मीटर। सिमिलरली आप ए टू डी का बना लोगे ऐसे डिस्प्लेसमेंट और ये ऐसे, ठीक है, आप आराम से करते जाओ और आपका आंसर आते जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ, शॉर्ट चीज़ बता देता हूँ कि ए टू डी में जब जाओगे तो ए टू डी मतलब ये ऐसे कर गया, ये ऐसे करके यहाँ से लेके 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 यहाँ तक डी में पहुँचा, तो हाउ मेनी पार्ट्स यू आर गेटिंग, 1 पार्ट दिस वन, 2 पार्ट दिस वन, 3 पार्ट दिस वन, तो 1 पार्ट का था 2πr/4 मल्टीप्लाइड विथ 3 पार्ट, क्योंकि 1 क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, 3 क्वाड्रेंट, तो आपका आ जाएगा 3/2πr। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं, तो ये हो गया हम लोग का सर्कल वाला एक क्वेश्चन।
अगर आपको यही चीज़ बोले भैया ट्रायंगल में तो उतना खास प्रॉब्लम नहीं होता, मान लेते हैं ये ए है, ये मान लेते हैं बी है, ये मान लेते हैं सी है, ये मान लेते हैं डी है, ठीक है, मान लेते हैं इसकी लेंथ 2 मीटर है, इसकी लेंथ भी 2 मीटर हो जाएगी, इसकी मीटर लेंथ मान लेते हैं 4 मीटर है, तो इसकी लेंथ भी 4 मीटर हो जाएगी। तो अगर बोला है ए से बी में जाना है तो यहाँ पे आपकी जो डिस्टेंस रहेगी वो भी 2 मीटर रहेगी एंड डिस्प्लेसमेंट भी 2 मीटर रहेगी, बिकॉज ए से बी के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ए बी, एंड ए से बी में जाने का एक ही रास्ता है, दैट इज द पाथ ऑफ दिस ब्लैक लाइन, दिस ब्लैक लाइन इज द पाथ, तो वो भी 2 मीटर हो जाएगी। तो हमारा जो रिलेशन था कि डिस्टेंस कैन बी इक्वल इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ फॉलो अप हो गया, ठीक है। सेकेंड अगर आपको बोला कि भैया अब ए से सी में जाना है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ का 2 और यहाँ का 4 मतलब 6, लेकिन अगर बोला भैया डिस्प्लेसमेंट बताओ तो कितना होगा, ये लाइन इनिशियल फाइंड पॉइंट के जॉइन करने के बाद, तो ये 4 मीटर, ये 2 मीटर, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। तो इसी तरह के कुछ कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बेसिक्स पे, बेसिस पे, ठीक है। तो आप अभी एक काम कर सकते हो कि जितने भी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ना, आप उनको सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। तो ये हो गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का लगभग बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने ओवर कर लिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हमारा जो बचा हुआ पार्ट है वो डी टी ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बचा हुआ है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो ग्राफिकल जो होगा वो मैं एक लेक्चर लूंगा, सारे के सारे ग्राफ उस लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगा। उससे पहले मैं पूरे काइनेमेटिक्स की लाइक वेलोसिटी कवर करना चाहता हूँ, स्पीड कवर करना चाहता हूँ, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी कवर करना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह मैं कवर करूंगा, एंड देन वी विल गो फॉर दी ग्राफ। एंड बात यहाँ पे क्या आ रही है, मेन इंपॉर्टेंट बात, कि मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पोस्ट कर रहा हूँ, आप उस लिंक पे जाइए, वो आपको मेंटर्स कॉर्नर की साइट पे ले जाएगा, वहाँ पे एक लॉगिन का बटन रहेगा एंड एक रजिस्टर का रहेगा, किसका रहेगा, रजिस्टर का। आपको क्या करना है कि वहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के बाद आपको एक 24 आवर्स में आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। जब आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी तो आप लॉगिन करने के बाद क्या होगा कि वहाँ पे आपको फ्री वाले कोर्सेज में जो मैंने पढ़ाया उसके बेसिस पे एक असाइनमेंट दिखाई देगा, जो मैंने पढ़ाया उसका एक असाइनमेंट वहाँ पे रहेगा, उसमें 10 क्वेश्चंस हैं, उसमें 10 क्वेश्चंस हैं, आपको जो वो प्रैक्टिस करनी है वो कर लीजिए एंड इन 10 क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते जाइए। मैं जैसे जैसे लेक्चर कंप्लीट करूँगा एवरी डे मैं वहाँ पे जैसे लेक्चर के साथ एक असाइनमेंट अपलोड करूँगा, आपको जाना है मेंटर्स लॉग इन करना है, वो असाइनमेंट सॉल्व करना है। अगर आप इसको कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हो तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर एक चैप्टर की यहाँ पे सीरीज बना बना के डालूंगा। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, ऑल्दो इट वॉज वेरी बेसिक बट दिस इज द वेरी मस्ट वेरी मच रिक्वायर्ड टॉपिक फॉर योर नीट WBJEE एंड JEE मेन्स। तो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड काइंडली जाके वो लॉग रजिस्टर वाला काम कर लीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व। तो थैंक यू, काइंडली लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड ज़्यादा से ज़्यादा जन तक पहुँचाइए जिनको ज़रूरत है।